ये अभी आए हैं जी हम किन्नों के बाग में। ये देख सकते हैं अभी छोटे छोटे यहाँ पर ये लगे हुए हैं जी किन्नों, अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। यहाँ पर अब जितनी निगाह दौड़ाएंगे आपको किन्नों ही किन्नों नजर आएगा, ये देख सकते हैं। और ये सारा एरिया आपको ना किन्नों के जो है ना वो बाघ ही मिलेंगे आगे तक, जहाँ से जहाँ तक आप निगाह दौड़ाएंगे आपको। इन नीचे से भी मैं दिखा सकता हूँ, ये पेड़ ही पेड़ ये किन्नों के, ये सारा माशाल्लाह किन्नू लगा हुआ। और यहाँ का किन्नू जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है, सरगोधा का किन्नू पूरी दुनिया में फेमस है, इसमें मिठास बहुत ज़्यादा है। और गाँव की जी सब्जी की दुकान है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं इन्होंने डाब के रखी है मक्खी वगैरह बचाव के लिए, और ये चिकन भी यहाँ से मिलता है। और यहाँ पर ए बर्फ है ना, बर्फ दाम के रखी है, बर्फ भी सेल होती है यहाँ पे। हाँ जी छोटे छोटे सरकार, गांव का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। ये आ गए जी जामुन का बूटा, यहाँ पर फल जो है वो लगना स्टार्ट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। ये भी थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये पक जाएंगे। और ये आ गई जी बेर, हम सीव बेर बोलते हैं, ये भी ये छोटे छोटे अभी लगना स्टार्ट हो गए, वो लंबे लंबे से बेर होते हैं, ये उसका दरख्त है। ये साथ अभी किन्नू का लगाया इन्होंने बच्चा है अभी छोटा। और यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है, ये जी ट्यूब वेल है, यहाँ से पानी लगाते हैं फसलों को। ये मेरे ख्याल से ट्रैक्टर की मदद से ये चलता है, ये बिजली वाला नहीं है, ये यहाँ से ट्रैक्टर के साथ ही लगाएंगे, ये फिर ये घूमेगा, फिर जी इधर से पानी निकलेगा, तो यहाँ से फिर ये नाली के साथ साथ आगे ये फसलों में जाएगा। तो ये सारा एरिया आप देख सकते हैं, ये सारी फसलें अभी ये लगाई हुई हैं, ये जवार वगैरह होगी वो है, और ये इधर किन्नू उसका बाग है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ फेमस है वो है किन्नू। गांव का डेरा आपको दिखाने लगा हूँ, ये इधर मवेशी वगैरह, ये इधर देखें जी डॉगी गोरा, और ये जानवर इन्होंने रखे हुए हैं, देसी माहौल है बिल्कुल। यहाँ पे इनकी खुराक का जो है वो किया गया है, ज़खीरा किया गया साथ। ये भैंसों का चारा लेके जा रहे हैं जी काट के। और यहाँ पर गांव में पेट्रोल पंप नहीं होते, तो यहाँ पर पेट्रोल जो है वो मतलब पेट्रोल पंप काफ़ी दूर तक होते हैं। गांव वालों के लिए इन्होंने स्पेशली एक मशीन लगाई हुई है, तो पंप के तौर पर ये इनको सहूलत मुहैया करते हैं। तो ये देख सकते हैं एक छोटा सा पंप है जी, ठीक है ना। और ये आगे जी सरकारी स्कूल है, गांव की ज़िंदगी खुली डुली ज़िंदगी है, और माशाल्लाह यहाँ के जो लोग हैं वो
सच्चे दिल के मालिक हैं और एक अच्छा रवैया जो है वो तैयार करते हैं। कोई बंदा जानने वाला ना भी हो तो उसके साथ एक अच्छे इखलाक के साथ पेश आते हैं और बहुत ही अच्छा रवैया जो है वो अपनाते हैं। तो खुश मिजाज लोग होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हर तरफ आप देख सकते हैं माल मवेशी लोगों ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक रखे हुए हैं। ये तंबाकू लगा हुआ है, ये भी आपको दिखाते हैं जी। ये आ गया फिर से ट्यूबवेल ये, और यहाँ पे ये अभी चलाएंगे ना फसलों को पानी देने के लिए। ये आगे फिर पानी वगैरह देते हैं, ठीक हो गया। और ये हम आ गए जी तंबाकू। ये तंबाकू है जी, ये सारा तंबाकू लगा हुआ है। और ये इधर पीछे सारा है। यहाँ पे तकरीबन आपको हर जगह पे ना किन्नों के बागात ही दिखाई देंगे। यहाँ पर किन्नों बहुत ही वाफर मकदार में। ये आप देसी माहौल देख सकते हैं। गांव की ज़िंदगी का अपना ही मज़ा है जी। यहाँ पर ये देख सकते हैं बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, नीचे लोग बैठ के चाय वगैरह पी रहे हैं, काम खा रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये हम बोड़ बोलते हैं, ये बोड़ का दरख्त है।